हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर गुड। तो शुरू करते हैं फिर आज का जो व्लॉग है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दो चीज़ें आज, जो एक चीज़ है वो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस, ठीक है, जो आज पूरे मतलब इतने सालों से जो लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे आज वो पूरा हो रहा है उनका सपना। कब सदियों से ये चीज़ लोगों ने सपना देखा था, आज आके वो चीज़ पूरी हो रही है। दूसरा मेरा एक सपना पूरा हो रहा है जो कि है अपनी पहली ब्लॉग करते हैं इधरी, वो आपको दिखा के, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज का दिन मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो एक मेमोरी रहती है कि उस दिन ये आया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहले आपको बाजार का दिखाते हैं कि बाज़ार में क्या क्या चहल पहल है वो, दैन उसके बाद अपने सेकेंड लोकेशन में जाएंगे। राम जी प्राण प्रतिष्ठा जो आज देखना वो है, तो उसके लिए हम बाजार जा रहे हैं, देखने क्या क्या जो डिफरेंट चीज़ें की गई हैं। तो ये जो दिवस है ये आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पुंछ में भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस इवेंट को लेके सेलिब्रेशन चल रही थी, रोज़ सुबह सुबह जंकियाँ निकलती थी। तो आज वो फाइनली, जिसका पूरे भारतवर्ष को सालों से इंतज़ार था, तो आज हम अपने पुंछ के जो मेन बाज़ार है वहाँ पर चलेंगे, देखेंगे उधर क्या क्या चीज़ें हैं जो की गई हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। रामायण काल में उस पर भी शोध वो करते थे कि क्या उस हिसाब से कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री धनुषकोडी गए, आपने सही बताया, रामेश्वरम वो गए, उससे पहले पंचवटी गए जहां से सीता जी का हरण हुआ था। आज क्या वो उसी सरयू की धारा में डुबकी लगाएंगे जहां से यहाँ जो सेकंड चीज़ होने वाली है ना उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइफ में ऐसा मोमेंट जो है ना बहुत कम आता है, और मेरे लाइफ में ये मोमेंट आ रहा है अबाउट 9 ईयर्स के बाद। तो वो मैं जब वो चीज़ लूँगा ना तब आपको पूरी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना वो आपको समझ आएगी। सो चलो चलें, दो मिनट एक्साइटेड हूँ मैं, तू भी एक्साइटेड है या नहीं है? चलो फाइनली जो है हम अपनी जो जगह है वो पहुंच चुके हैं, वो है रॉयल एनफील्ड, और ये है कुछ इसका दिखाते हैं अभी आपको। सो फाइनली जो है ना मेरा जो सपना था, मतलब हर एक बंदे का होता है कि जो अपनी पहली बाइक लेनी है वो रॉयल एनफील्ड की लेनी है, तो मेरा वो सपना आज पूरा हो रहा है, और वो भी सुपर मेट्रो 650 फर्स्ट बाइक है पूरे पुंछ में, तो जो साहब और उन्होंने लिया। तो मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा आगे चल के। अभी एक्चुअली पूरा सुबह से लेकर इधर तक बिजी थे, क्योंकि इसके जो PDI वो होते हैं ना उसको करने में कम से कम 2 घंटे लगे, 2 घंटे। तो आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी जी। क्या एक ही जीवन है, कंग्रेचुलेशन। मैं कोई बता जो मैंने आपको सरप्राइज बताना था वो है ये सुपर मेट्रो 650 फर्स्ट माई क्रूज बाइक। तो अब इसको ले जाने का वक्त आ गया है इधर से। बीस्ट कितनी प्यारी लग रही है यार यहाँ से। अभी मैंने इसको जस्ट लाया इधर से लेके आगे तक, और काफ़ी मतलब स्मूथ है बाइक, और मैं चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। ये जो फील होती है ना लोहे सर लोहा वाली फील, वो वाली आ रही है। रिदो अच्छी कैसे अच्छी ऐसे। सो ये ओवरऑल लुक,
चलो ऊपर चले, मम्मा को बोलो बोलता है चलो आजा 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 सब मम्मा और आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन करने के लिए। आओ मम्मा आओ। इधर से वो मम्मा क्या कर रहे हो? देख लेना तो क्या करेगी। देख लेंगे। मम्मा कोयला भी होता है? ये है ना लगेगा वो कोयला थोड़ी है छोटा सा ममता कैसे होती है? एक बार ये मोमो होते पल जंद नींबू तो मिर्ची लगा कर आया उसपे चाहे एक ही दिन लिखा तो वो कोई नहीं ये ट्रक से कम है। हाँ लगा दे बस दो दिन आ गई वीडियो। क्या हो रहा है ये देख ये देख रिद्धु को देख ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं खड़े होते पूरा बाहर नहीं डालना है ये कौन है ये कौन है वाह पॉपुलरिटी और कुछ हो ना हो कुछ हर जगह रूलिंग के पोस्टर हर जगह लगे हुए हर गली नुक्कड़ में ये क्या कर दिया वाओ उतारो ना खुद अब फंस गया अब उतार पाएगा ये बिच्छो बाबा आगी ठीक है वेरी गुड आइए आपको आपको भी बहुत बहुत मुबारक है आपको भी बहुत बहुत मुबारक है तू इधर आ इधर देख आ गई है ये किसके लिए आया ये किसका वो उस टाइम के छोड़ रहे ना जान तो हमारे घर में भी दिए जल चुके हैं वो देखो सारे दिए जल चुके हैं तभी आई चूज ये लाते हाँ तो अब मैं आपको अपनी पसंद गली है हमारे घर के जस्ट परफेक्ट उसका व्यू दिखाने वाला हूँ ये गली है एंड दिस इज अ व्यू ये जो दो चीजें ये ऑथेंटिक की चेन है बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा जब मैं गया था देहरादून तो तब मैं उधर से ये कीचेन लाया था तो मैंने सोचा था कि ये जो कीचेन है ये मैं जो अपनी बाइक लूंगा उस पर ये लूंगा तो फाइनली आज दिन आ चुका है इतनी देर से ये अंदर पड़ा हुआ था आज ये दिन है ये लगाने का सो इस की के ऊपर लगाऊंगा मेरे को लगा मैंने ये गलत उतार दिया फाइनली कैसी लग रही है
खुशी अलग है यार जब इसको अपना आना पकड़ने की। तो एक किस्सा और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मेरी जो पहली स्कूटी है ना उसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये जितने भी दोस्त यार है ना मेरे पूंछ के दयाल नो कि वो स्कूटी ने कौन सी चढ़ाई जो है वो नहीं चढ़ के गई है। तो अपना कर ले अभी जब तो भैया बोल रहे ना बीच में नहीं करना ठीक है। चुप बंदे अच्छे गुड बेबी की तरह सुन रहे ठीक है नहीं ना कभी तू चल अब सुन रहा हूँ अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं उसके बाद करेंगे ठीक है। तो जितने मेरे पूंछ वाले दोस्त यार हैं उनको पता है कि उस स्कूटी की वैल्यू, मैं तो उस स्कूटी की वैल्यू जब तक मैं रहूँगा मैं उस स्कूटी की वैल्यू करता रहूँगा। वो जो स्कूटी थी ना वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उस स्कूटी की, क्योंकि वो जो स्कूटी थी वो मेरे को मेरे मामू ने गिफ्ट करी थी। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं है बट उनकी दिया हुआ जो गिफ्ट है स्कूटी वो मैं अपने साथ पूरी ज़िंदगी में अपना साथ रखना चाहूँगा। तो मतलब एक चीज़ होती है ना कि तभी मेरा दिल नहीं करता था कि वो स्कूटी को कुछ करूँ चेंज करूँ कुछ, बट एनी हाउ मतलब एक मशीनरी है वो, उसकी भी लाइफ होती है तो जो उसकी लाइफ थी वो अब उसकी हो गई है। बट स्टिल वो अभी तक मैं यूज़ करूँगा अपने हाउस होल्ड काम के लिए, आगे पीछे जाने के लिए बुलेट रहेगा बट वो स्कूटी मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता। तो ये है हमारे रिधु की स्कूटी। आ जा रिधु बार आ जा। ये और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। तो जब मैं ये बाइक देखने गया था ना जम्मू शोरूम, तो मतलब पहले मेरा दिल आया था सुपर मेटियोस 350 में, उधर कलर वगैरह मेरे को सब कुछ पसंद आ गया। बट अचानक मेरी नज़र इस बाइक में पड़ी तो मेरे को लगा मेरे को ये मेरे लिए ये बाइक है। तो फाइनली आज वो बाइक मेरे पास है। ड्रीम था पिछले 3 महीने से इस चीज़ के पीछे थे। तो आज पिछले साल जब गुरुपुरब था गुरु नानक देव जी का तब मैंने ये बाइक बुक कराई थी, तो फाइनली आज जो है ना वो मेरे को डिलीवर हो रही है। तो वो भी इतने बड़े दिन पे, मतलब दोनों जो डेज थे ना काफ़ी बड़े दिन थे। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द लीगल व्लॉगिफाई। होल्ड अप।